वेलकम टू यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं पेपर फर्स्ट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके 2016 में पूछे गए मैथ्स के प्रश्न हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैंने टॉप 5 प्रश्न इंक्लूड किया हूँ, आप लोग देखिए, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसके हिसाब से और भी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि एक चिड़िया घर में खरगोश और कबूतर है, यदि सिरों को गिना जाए तो 200 है और यदि टांगों को गिना जाए तो 580 है, कबूतर की संख्या है। ऑप्शन दिया है, ए है 90, बी है 100, डी सी है आपका 110, डी है 120। तो आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों माना कबूतर की संख्या यक्ष तथा खरगोशों की संख्या बराबर वाई है। अच्छा दोस्तों, आप कह रहा है कि यदि सिरों को गिना जाए तो पहले निकालोगे सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या बराबर x प्लस वाई, ठीक है। अब इसलिए क्या होगा दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 200, ठीक है दोस्तों। अगर सिरों को गिना जाए x प्लस वाई, अब इसको जो है क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर दे मान लीजिए सब में, तो 2x प्लस 2y बराबर 200। अब कह रहा है कि यदि टांगों को गिना जाए तो टांगों को अगर गिनते हैं तो क्या होता है, आपका यक्ष कबूतर है तो कबूतर में दो टांग होगा, तो दोस्तों पैरों की संख्या कबूतर में दो पैर होते हैं तो 2x हो गया, और उसमें आपका चार पैर होते हैं खरगोश में तो 4y हो गया। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 580। प्रश्न के अनुसार ये हो गया, ये समीकरण आपका एक बन गया ये वाला, ये समीकरण आपका दो बन गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण एक से दो से एक को घटाने पर, समीकरण दो से एक को घटाने पर घटा दीजिए दोस्तों, तो घटाएंगे तो आप पहले 2x प्लस 4y इक्वल टू 580 माइनस 2x प्लस 2y बराबर 400। यहाँ पे गलती हो रहा है दोस्तों, ये भी दो से मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये माइनस में है तो ये आपका 2y इक्वल टू यहाँ कितना बचा 180, वाई बराबर दोस्तों कितना हुआ, वाई बराबर हो गया आपका 90। तो ये किसका आया दोस्तों, वाई आपने खरगोशों की संख्या माना था, तो अतः लिख देंगे, इसे पूछ नहीं रहा है लेकिन लिख लीजिए, खरगोशों की संख्या बराबर 90। अब आपको निकालना है कबूतरों की संख्या, तो इसको समीकरण एक में रख दीजिए आप, तो समीकरण एक में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू 90 बराबर 400। ये है समीकरण एक, तो यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 है, 400 माइनस 180, ठीक है दोस्तों। तो 2x बराबर आपका कितना बचा, 220। x बराबर कितना हो गया, 220 डिवाइड बाई 2 110, तो 110 हो गया आपका कबूतरों का संख्या। अतः जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 110 आंसर आएगा। प्रश्न नंबर टू है दोस्तों कि दिए गए प्रश्न का संबंध ज्ञात करें, इसका है भारत आम न्यूजीलैंड क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ए है सेब, बी है कीवी, सी है संतरा, डी है अंगूर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा कीवी। कैसे होगा,
भारत में आम ज्यादातर होता है पाया जाता है, वैसे न्यूजीलैंड में कीवी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए दोस्तों कि क्रिसमस विलुप्त संख्या ज्ञात करना है यहाँ, फिर बिरयानी विलुप्त संख्या, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए है ईसाई मुस्लिम, बी है जीसम रमजान, सी है काजू चावल, डी है केक ईद उल फितर। इसका राइट आंसर होगा डी, केक। दोस्तों क्रिसमस में क्या होता है, केक, क्रिसमस के त्योहार में केक बनता है, केक काटा जाता है, और ईद उल फितर में दोस्तों मुस्लिमों के बिरयानी बनता है, इसलिए इसका संबंध इससे होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। यदि एक समलंब जिसकी समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? आपको समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिया है ए है 2 सेंटीमीटर, बी है 4 सेंटीमीटर, सी है 5 सेंटीमीटर, डी है 8 सेंटीमीटर। तो इसका हल कर लीजिए दोस्तों, हल करके समझ लीजिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों हाफ भुजा, यानी भुजा आपका एक्स प्लस वाई मान लीजिए इंटू एच, ये होता है। इस फार्मूले से आप ज्ञात करेंगे 1/2 एक्स हो गया आपका 6 सेंटीमीटर पहली भुजा, वाई हो गया आपका 10 सेंटीमीटर दूसरी भुजा इंटू एच, एच आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्षेत्रफल यानी 32 इक्वल टू इतना हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का 32 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 32 × 2 और ये हो गया आपका 6 × 10 = 16 हो गया यच बराबर। ठीक है, अब इसको कर लीजिए तो 16 × 32 2 × 2 बराबर हो गया आपका 4, तो यच बराबर आ गया 4। तो भुजाओं की दूरी कितना हो गई दोस्तों, अतः भुजाओं की दूरी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा राइट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर, इस हिसाब से इसको लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर है दोस्तों कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, यदि वह संख्याएं अनुपात 3:4 के अनुपात में हो तो उनका मान कितना होगा? ये आपके ऑप्शन दिए हैं, तो हल करिए इसको दोस्तों। मान लेते हैं माना संख्या यक्स है, तो इसके हिसाब से 3:4 यानी पहली संख्या आपका 3x हो जाएगा और दूसरी संख्या 4x हो जाएगा। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि एक संख्या का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, यानी 8 ये हो जाएगा वर्ग, 3x² का वर्ग हो जाएगा पहली संख्या इक्वल टू 4x² प्लस, क्या कह रहा है कि दूसरे एक एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने, 8 गुने से 224 कम है, तो 224 इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 8 × 9x² इक्वल टू 16x² प्लस 224, ये आपका 9 × 72x² बराबर 16x² प्लस 224। अब इसको माइनस कर देंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 72x² माइनस 16x² इक्वल टू 224, 72 में 16 गया तो कितना हो गया दोस्तों, 56x² इक्वल टू 224। यहाँ x² बराबर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 224/56। ठीक है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये आ गया 4, इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा और x बराबर हो गया आपका 2, 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको संख्या रखेंगे आप उसमें अनुपाते में संख्याएं, अतः संख्याएं यहां लिखेंगे, अतः संख्याएं, तो पहला है आपका 3x
और दूसरा है 4x, इसमें रख दीजिए 3 इंटू 2 और ये हो गया 4 इंटू 2, 6 हो गया और ये हो गया 4 दुनी 8। अतः संख्या 6 और 8 है जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो ये रहे दोस्तों आपके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मैथ से। इसी हिसाब से मैथ जो है आपके परीक्षा में पूछा जाता है, आपको बहुत ही कम टाइम रहेगा उसमें इसको सॉल्व कराना रहेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और माइंड को थोड़ा तेज घुमाएंगे तो आप मैथ के सवाल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।